हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है फुलेरीन। फुलेरीन इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। फुलेरीन जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप है। तो फुलेरीन क्या होता है, फुलेरीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फुलेरीन की डिस्कवरी कैसे की है, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फुलेरीन एंड व्हाट आर देयर यूजेस, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है बच्चों। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, डोंट स्किप द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। Now we are going to start the today's topic. The name is fullerene. तो fullerene जो है नाम थोड़ा अलग लग रहा है। तो fullerene ये जो है allotropic form of carbon है, crystalline form है carbon का, crystalline allotropic form है। जैसे कि diamond और graphite है, ये crystalline forms है। crystalline forms क्या होता है कि इसमें carbon की एक specific arrangement होती है। जैसे diamond के अंदर हमने देखी है, इसमें हर एक कार्बन एटम डायमंड के अंदर चार अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ अरेंज होता है और उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ग्राफाइट के अंदर हर कार्बन एटम तीन अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है तो उसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और उसमें लेयर्स होते हैं ग्राफाइट में। और फुलेरीन जो इसका अलग ही स्ट्रक्चर है, इसका क्या है अलग ही स्ट्रक्चर, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड दैट मॉलिक्यूल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं। तो अब देखेंगे फुलेरीन। फुलेरीन इज रेयरली फाउंड इन नेचर। तो जैसे कि डायमंड जो है माइंस में मिलता है, ग्राफाइट में मिलता है, लेकिन जो है फुलेरीन हमें कहीं भी माइंस में नहीं मिलता है। तो फुलेरीन इट इज फाउंड इन सूट एंड इंटरस्टेलर स्पेस। तो फुलेरीन कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, सूट के अंदर और इंटरस्टेलर स्पेस। तो सूट क्या होता है, द सूट इज अ ब्लैक पाउडर फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सूट यानी कि जो काला धुआं होता है, जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को इनकम्प्लीटली जलाएंगे तो उसमें से काला धुआं बाहर निकलता है, उसे हम सूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल गीली लकड़ी है जो, इसको अगर हम जलाएंगे इट बर्न्स इनकम्प्लीटली, तो वहाँ से भी सूट तैयार होता है। तो उस काला धुआं जो इसके अंदर जो है फुलेरीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर स्पेस में भी फुलेरीन पाया जाता है। तो इंटरस्टेलर स्पेस क्या है बच्चों, इट इज अ स्पेस बिटवीन टू स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के अंदर दो स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होती है, उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। एंड दिस स्पेस इज नॉट एम्प्टी। तो ये स्पेस एम्प्टी नहीं होती है, तो वहाँ पे गैसेस होते हैं। कौन कौन से गैसेस होते हैं, इट कंटेन्स द थ्री टाइप्स ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, हेलियम एंड अदर गैसेस, अदर हेवी गैसेस एंड डस्ट जो होता है इसमें होता है। 70% तक का हाइड्रोजन गैस होती है, 28% तक हेलियम होती है और रिमेनिंग 2% जो है हेवी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस में होता है। अगर तो फुलेरीन ये रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी अभी इसको डिस्कवर्ड किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इट इज डिस्कवर्ड बाय द थ्री साइंटिस्ट। The name of scientist who discovered the fullerene is Harold Croteau, Robert Kerr and Richard Smiley. And these three scientists together work on a research project in 1985 and they discovered a structure of fullerene. They discovered the fullerene. And for that outstanding work, they were awarded by the Nobel Prize in 1996. तो 1996 को इनको Nobel Prize भी दिया गया था फुलेरीन की डिस्कवरी के लिए। तो इन्होंने जो फुलेरीन डिस्कवर्ड, फुलेरीन अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट, कार्बन एटम की संख्या से इन्होंने फुलेरीन जो डिस्कवर्ड किया था वो था कार्बन 60। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कार्बन 60। अब इसको नाम दिया गया था, देखिए क्या नाम है, बक मिंस्टर फुलेरीन।
इट्स नाम नेम इज बकमिंस्टर फिलेरी। तो बकमिंस्टर फिलेरी ने ये नाम कैसे दिया गया, इसकी जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है। देखो बच्चों क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, फुटबॉल की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है बकमिंस्टर फिलेरी, इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है इट रिजेंबल्स द जियोस डेसिक डोम डिजाइन बाय द रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। तो रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नाम के एक आर्किटेक्चर थे, इन्होंने एक जियोडेसिक डोम का निर्माण किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जियोडेसिक डोम क्या होता है, आपको फिगर देखने के बाद आपको ख्याल में आएगा। तो ये जो जियोडेसिक डोम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने डिजाइन किया था, आर्किटेक्चर थे रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। तो उनका डोम और ये कार्बन 60 का स्ट्रक्चर जो है दोनों एक जैसे दिख रहे थे, इसके साथ रिजेंबल कर रहा था, इसीलिए कार्बन 60 इस फुलेरिन को नाम दिया था बकमिंस्टर फुलेरिन। आ गया समझ में। अब देखिए कार्बन 60 स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन, फुलेरिन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अब कार्बन 60 जो फुलेरिन है, जैसे कि हमने ग्राफाइट और डायमंड देखे, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो फुलेरिन ये हॉलो होता है, फुलेरिन इज अ हॉलो, इट्स स्ट्रक्चर इज हॉलो लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तो इट हैज द डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट है। इट इज स्फेरिकल लाइक अ बकी बॉल, इट इज लाइक अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज बकी ट्यूब एंड इलिप्सॉइड। तो इसका स्फेरिकल भी स्ट्रक्चर होता है, कुछ फुलेरिन है इसका बकी ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, और सब आर द इलिप्सॉइड। अब देखेंगे कार्बन 60 के बारे में, इट इज द फर्स्ट फुलेरिन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। तो कार्बन 60 यानी कि इट कंटेन्स द 60 एटम इन वन मॉलिक्यूल, तो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 60 एटम होते हैं। हाउ दे आर अरेंज, अब अरेंजमेंट कैसे होती है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इट कंटेन्स द टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है, हेक्सागोन एंड पेंटागॉन्स। अब बारीकी से इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे हेक्सागोन भी है और पेंटागॉन भी है। इट कंटेन्स 20 पेंटागॉन्स एंड 12 हेक्सागॉन्स, 20 पेंटागॉन एंड 12 हेक्सागॉन्स टुगेदर फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60। आ गया समझ में, कार्बन 60 का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है, यानी कि जो फुलेरिन होता है, जैसे कि हमने देखा है कि डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम चार अलग अलग कार्बन एटम के साथ अरेंज होके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तैयार करता है। अब ग्राफाइट के अंदर एक कार्बन एटम तीन अलग अलग कार्बन एटम के साथ कंबाइन होके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तैयार करता है। और यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के हेक्सागोन्स, कार्बन 60 के अंदर 20 पेंटागॉन्स और 12 हेक्सागॉन्स, यानी कि कार्बन एटम की अरेंजमेंट देखिए। अब यह हेक्सागोन जो है तो हेक्सागोनल शेप में ये कार्बन एटम जो है ऐसे अरेंज होते हैं, और पेंटागॉन फॉर्म होगा तब इसके साथ पेंटागॉन अटैच है, तो यहां पे ऐसे कार्बन एटम्स जो है इस तरह से अटैच होंगे। यहां पे क्या है, कार्बन एटम्स, आ गया समझ में, कार्बन एटम्स पेंटागॉन के अंदर कार्बन एटम, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो हेक्सागोन एंड पेंटागोनल आर शेप ऑफ द कार्बन एटम्स फॉर्म्स द बकी बॉल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल, इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। क्योंकि बकी बॉल क्यों कहा जाता है, बल्क अमाउंट में कार्बन एटम है और स्ट्रक्चर बॉल के जैसा है, बल्क एटम में कार्बन एटम और बॉल के जैसा स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बकी बॉल। तो कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलेरिन, कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलेरिन एंड दिस बकी बॉल, ये एक ही टाइप का फुलेरिन है, अलग अलग उनके नाम दिया है। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुलेरिन, और भी अलग अलग तरह के फुलेरिन पाए जाते हैं कार्बन 16 के साथ, कार्बन 70, कार्बन 76, कार्बन 82 एंड कार्बन 86। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और अदर टाइप्स ऑफ फुलेरिन एंड दीज आर फाउंड इन अ सूट्स इन द स्मॉल नंबर, तो सूट के अंदर बहुत कम संख्या में ये फुलेरिन पाए जाते हैं। हाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फुलेरिन, तो फुलेरिन की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए फुलेरिन, द फुलेरिन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल एंड बकी ट्यूब्स, तो बकी बॉल और बकी ट्यूब्स के फॉर्म में हम पाए जाते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉल के स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन देयर आर 32
नाइन हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन। तो कार्बन 30 यानी कि 30 कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर से लेके 900 ऑफ कार्बन एटम्स इन एक मॉलिक्यूल के अंदर, इतनी संख्या में एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की संख्या हो सकती है, कार्बन 30 से कार्बन 900 तक हो सकते हैं। देन द फ्लोरीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, दैट इज द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं। हाउ एवर इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक्स कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन के अंदर ये सोल्यूबल है और वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये इनसोल्यूबल है। नाउ वी हैव टू स्टडी द यूजेस ऑफ दिस फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के यूजेस क्या है, अब देखिए यहाँ पे आप यूजेस देख पा रहे हैं। इट इज यूज्ड एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, तीनों फॉर्म में यूज किया जाता है, कंडक्टर के फॉर्म में नहीं। इंसुलेटर, इट इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर फ्लोरीन, कुछ फ्लोरीन जो इंसुलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर भी होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर, इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि सेलेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम है, तो सिलिकॉन गैलियम जो है ये सेमीकंडक्टर्स है, मेटेलॉइड्स और सेमीकंडक्टर, एंड इस तरह से ये सेमीकंडक्टर होता है। और ये सुपर कंडक्टर भी होते हैं बच्चों, द एट सर्टन टेम्परेचर दिस फ्लोरीन एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर डोप विद द अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल के साथ इनका प्योर फ्लोरीन और उसके साथ अल्कली मेटल के साथ इसका डोपिंग किया जाए तो इट एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, द सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच हैव द जीरो रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होगा तो उसको रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होता है और उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है, जो उसे कंडक्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। देयरफॉर दिस सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा है और टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसका जीरो है और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। देन फ्लोरीन इज ऑल्सो यूज एज अ कैटेलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन जो होते हैं आरओ वगैरह, इसमें जो है फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है कैटेलिस्ट के तौर पे और जिससे वाटर प्यूरिफाई होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरीन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोरीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।